जनपद संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीक और रहमान वर्क ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वह जेल जाने को भी तैयार हैं। दरअसल आज नजरबंदी के दौरान डॉक्टर वर्क ने किसानों के लिए एक नारा दिया है, किसान बचाओ हिंदुस्तान बचाओ। वो आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकालने जा रहे थे। उन्हें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घर में ही रहने की हिदायत देते हुए नजरबंद कर दिया। अपने घर के बाहरी हिस्से में पहुंचकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी डॉक्टर वर्क ने कहा कि किसानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, अगर किसान नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, और जो किसानों के लिए बिल लाया गया है इसे वापस करे सरकार और पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुलाया जाए इस बिल के लिए। वो मांग करते हैं कि किसानों की सभी मांगे पूरी की जाएं, अगर इसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं होती तो लोगों के साथ वो खुद जेल जाने को तैयार है। सपा सांसद डॉक्टर वर्क अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थे। इस सूचना पर प्रशासन ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। जिस तरह से आज यहाँ पर अध्यादेश के खिलाफ सपा मोर्चा खोल रही है, क्या कहना है इस बारे में? आपको नजरबंदी रखा गया था। है कि किसान बचाओ हिंदुस्तान बचाओ, ये मैं ये कह रहा हूँ। चूँकि आज किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, किसान अपने परल हित की जो मांगे हैं उनकी मांग कर रहा है, उसमें क्या गुनाह कर रहा है? किसान नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए किसानों की इन मांगों को जो बिल लाए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और किसानों ने इस बात की नंबर एक पर मांग की है, छह मांगे हैं इसमें से कई मांग की है। किसानों के खिलाफ जो बिल लाया गया है गवर्नमेंट इसको वापस करे और इस पर स्पेशल इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जाए जिसमें कि काम हो सके। तो लिहाजा हम भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान से किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती के लाठी चार्ज हो रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है और तरीके से भूखे मर रहे हैं किसान। अब किसानों की जब मीटिंग इन्होंने बुलाई, कई पांच मीटिंगें फेल हो चुकी, उन्होंने मना कर दिया इनकी चाय पीने से भी, इनका खाना खाने से। कहा हम अपना खाएंगे, हम इस सरकार का नहीं खाएंगे, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। तो हम सारे हिंदू मुसलमान जो भी हों, पर हम मैं सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता आमतौर से बहरहाल इस बात की मांग कर रही है कि हिंदुस्तान किसानों की मांगों को पूरा किया जाए हर कीमत पर। अगर इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के लोगों को अगर जेल भी जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम जेल जाएंगे। थैंक यू सर।